मनुष्य के मन और पैराशूट में यही समानता होती है कि यह दोनों तब काम करते हैं जब ये दोनों खुले होते हैं। तो इस वीडियो में कही गई बातों को खुले मन के साथ सुनिएगा। वक्त कब क्या रंग दिखाए हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात में राज्य मिलने वाला था उन्हें सुबह वनवास न मिलता। ये घटना इस बात का उदाहरण है कि चाहे मनुष्य हो या भगवान, हर किसी को कठिन परिस्थितियों का सामना करके जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। लोग भगवान की पूजा तो करते हैं लेकिन कभी उनके चरित्र से अच्छी आदतें नहीं सीखते। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ रामायण में बताई गई कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये कोई धार्मिक वीडियो या प्रवचन नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको वह बातें बताने वाला हूँ जो आज के जमाने में आपको सही मार्गदर्शन देने में उतनी ही सक्षम है जितनी रामायण काल में हुआ करती थी। सबसे पहली बात तो भगवान श्री राम ने अपने जीवन काल में कभी कोई ग्रंथ नहीं लिखा और ना ही उन्होंने कभी प्रवचन दिए। उन्होंने कभी खुद को ईश्वर का अवतार बताकर समाज से बुराइयां मिटाने का कभी कोई अभियान भी नहीं चलाया था, बल्कि उन्होंने अपना जीवन ऐसे बनाया ताकि लोग उनसे सीख सकें। अपने जीवन में आने वाली हर परेशानी और हर कठिनाई को उन्होंने हंसकर स्वीकारा और अपने जीवन को एक उदाहरण बताकर यह बताया कि जीवन एक ऐसा सफर है जहां इंसान को हर तरह का अच्छा बुरा तजुर्बा मिलता है। अच्छे पलों का तो हम भरपूर आनंद उठाते हैं, पर मुश्किल की घड़ी में अक्सर अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। ये बात हम सभी जानते हैं कि वक्त कैसा भी क्यों हो अपने साथ कोई ना कोई सबक लेकर जरूर आता है, लेकिन कभी कभी हम उस सीख को समझ पाने में सक्षम नहीं हो पाते। हम हमेशा अपने जीवन काल के उस समय में खोए रहते हैं, उससे उभर नहीं पाते जिसने हमें दुख दिया हो। हर इंसान अपने जीवन में आए अच्छे और बुरे वक्त को हमेशा याद रखता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने बुरे वक्त को लेकर बैठे रहें, बल्कि आपका तो फर्ज यह बनता है कि आप अपने जीवन की मुश्किल घड़ियों से सीख लें और जिंदगी में आगे बढ़ें। रामायण से बात साफ साफ अंकित होती है कि दुख से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। ये दुख व्यक्ति का साहस खत्म कर देता है, वह व्यक्ति की सीख को खत्म कर देता है और सब कुछ नष्ट कर देता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि हमेशा अपने आज में जीने का प्रयास करें, क्योंकि जो बीत गया वो कभी लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप उसके दुख में जीते रहेंगे तो जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। रामायण के अनुसार किसी भी मनुष्य में उसके उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए निम्नलिखित गुणों का होना अति आवश्यक है। सबसे पहले उदास व दुखी होना, दूसरा अपने कर्तव्य पालन की क्षमता रखना और तीसरा कठिनाइयों का बलपूर्वक सामना करना। रामायण के अनुसार हमेशा प्रसन्न रहना कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करना असंभव है। कहने का यह तात्पर्य है कि प्रसन्नता और दुख ये दोनों जीवन में आते जाते रहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लगातार सिर्फ प्रसन्नता जीवन में बनी रहे। इसलिए अपने दुखों से हार कर जीवन का अंत कर देने में कोई भलाई नहीं होती, बल्कि सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। जो व्यक्ति हमेशा अच्छा और मीठा बोलता है, हर समय अपनी भाषा का ध्यान रखता है, किसी भी परिस्थिति में बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रगति करता है। ये शाश्वत सत्य है कि बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, किंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। ये बोले गए शब्द एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। इसलिए हमेशा बातों को ध्यान पूर्वक कहें, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं लेकिन लोग उन्हें हमेशा याद रखते हैं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि वो हमेशा अपनी मर्यादा में रहे, अपने अनुशासन का पालन करते रहे, और ये बात हमें सीखने को मिलती है कि अनुशासन सुखी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मर्यादाएं जीवन में आने वाले संघर्षों से जूझने की शक्ति देती हैं। अच्छी संगति मनुष्य की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो गलत संगत में है तो उसके जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता रुक जाता है। जैसे कैकेयी ने दासी मंथरा की गलत बातों में आकर भगवान राम को वनवास भिजवाया था। सब कुछ जानते हुए भी भगवान राम ने वनवास को स्वीकारा क्योंकि वह ये बताना चाहते थे कि बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माँ बाप ने उन्हें बड़ा करने के लिए दिया है। रावण ज्ञानी था, रावण धनी था, किंतु अपने अहंकार और क्रोध के चलते उसने अपना सब कुछ नष्ट कर लिया। इससे यह बात सिद्ध होती है कि आप चाहे कितने ही ज्ञानी और कितने ही ज्यादा धनी क्यों ना हो, अगर आपके अंदर क्रोध और अहंकार जैसे अवगुण हैं तो वो एक ना एक दिन आपका सर्वनाश अवश्य कर देंगे। इसी के साथ रामायण से हमें यह भी पता चलता है कि चरित्रहीन व्यक्ति की मित्रता उस पानी की बूंद की भांति होती है जो कमल पत्ती के फूल पर होते हुए भी उससे चिपक नहीं पाती। इस तरह के मित्र एक न एक दिन आपको धोखा देकर आपका साथ छोड़ देंगे। दोस्तों, रामायण की कहानी देखने या सुनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उसमें कही गई अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारें। और आज का ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी मेरा यही था कि मैं कम समय में कम शब्दों में आपको रामायण में कही गई कुछ अच्छी बातें बता सकूं। अगर मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सभी लोगों तक पहुंचाइए।